नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंक एजुकेशन में। और आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा करंट अफेयर। और इस वीडियो में हम 1 से 10 दिसंबर तक की करंट अफेयर को कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन 1 से 10 दिसंबर तक की करंट अफेयर के बनते हैं, आज इस वीडियो में सभी को विस्तार से डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपको सारे क्वेश्चन के डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए यूजर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको हमारे हर नई अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट करते हैं, हरियाणा में अनीमिया मुक्त अभियान की ब्रांड एम्बेसडर मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर को बना दिया गया। देखिए, हरियाणा सरकार ने अनीमिया मुक्त अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर को बना दिया गया, जो हाल ही में मिस वर्ल्ड चुनी गई थी। ये हरियाणा से संबंधित हैं, हरियाणा की रहने वाली हैं मानुषी छिल्लर। अब इनको अनीमिया मुक्त अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, हरियाणा में BPL परिवारों को 13 रुपये किलो चीनी और 20 रुपये लीटर सरसों का तेल देने की घोषणा की गई है हरियाणा सरकार द्वारा। एक समागम के दौरान श्री मनोहर लाल खट्टर ने, जो BPL कार्डधारी हैं, उनको 13 रुपये किलो चीनी और 20 रुपये लीटर सरसों का तेल देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, हरियाणा में अब नर्सरी के दाखिले के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। देखिए, किसी भी बच्चे का अगर नर्सरी में दाखिला करवाना है, चाहे वो संस्था सरकारी हो, चाहे वो स्कूल सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, तो आधार कार्ड दोनों के लिए ही अनिवार्य कर दिया गया है हरियाणा सरकार ने अपनी गाइडलाइन में। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, गीता जयंती पर मिली रेल की सौगात हिसार से जाएगी हरिद्वार। देखिए, गीता जयंती थी जो, अब हरियाणा में एक समागम था गीता जयंती पर, तो उसमें क्या किया, जो रेल मंत्री हैं, इन्होंने हिसार से हरिद्वार तक की एक रेल जो कि चला दी है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने के एक आंकड़े के दौरान जो क्राइम में हरियाणा तीसरे नंबर पर है। देखिए, जो NCRB होता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसने एक आंकड़ा जारी किया जिसमें हरियाणा तीसरे नंबर पर पाया गया क्राइम की दृष्टि से। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, हरियाणा ने अंडर 17 नेशनल हॉकी टूर्नामेंट में लड़के और लड़कियों दोनों वर्गों में खिताब जीत लिया। देखिए, जो अंडर 17 टूर्नामेंट हो रहे थे नेशनल हॉकी के, तो इसमें दोनों वर्गों में लड़के प्लस लड़कियों में जो खिताब जीता। नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा में 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा की निवेश पर मिलेगी ऑन डिमांड सुविधाएँ। अगर हरियाणा में कोई भी 500 करोड़ से ऊपर का निवेश करता है, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, कोई भी एंटिटी 500 करोड़ से ज़्यादा का निवेश करती है, तो उसको हरियाणा सरकार द्वारा ऑन डिमांड सुविधाएं दी जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, सांसदों और विधायकों की तय होगी शिक्षण योग्यता। देखिए, मनोहर लाल खट्टर ने केंद्र सरकार को एक नोटिस दिया था जिसमें मनोहर लाल खट्टर द्वारा एक बात कही गई थी कि संसदों और विधायकों की जो शिक्षक योग्यता है वो तय की जाए। मींस कि BA या 10+2 के जो उम्मीदवार हैं वो ही संसद और विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं। तो अब इस पर विचार किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, अब डिग्री भी होगी आधार से लिंक। देखिए, जो जींद में जो यूनिवर्सिटी है उसमें एक एजेंसी से करार किया है जींद की यूनिवर्सिटी ने, CRSU ने, कि जो अब डिग्री है इसको आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा, जिससे कि फेक डिग्री की जो प्रॉब्लम्स है इस पर सॉल्व किया जा सकता है इसको। तो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, दुबई स्थित RP ग्रुप ऑफ कंपनीज के सहयोग से नांगल चौधरी में बनेगा उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब। देखिए, जो दुबई का RP ग्रुप है, RP ग्रुप ऑफ कंपनीज सबसे बड़ी कंपनीज है दुबई की, कंस्ट्रक्शन की बात करें तो, इसके संयोग से नांगल चौधरी में बनेगा उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब। नेक्स्ट है, डॉक्टर पवन कुमार ने ली HPS हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य की शपथ। देखिए, डॉक्टर पवन कुमार बन गए हैं नए सदस्य हरियाणा लोक सेवा आयोग के। नेक्स्ट है, हरियाणा के विभिन्न पेंशन योजनाओं की धनराशि में हुई बढ़ोतरी। देखिए, नए जो कि अर्ली नेक्स्ट ईयर में जो भी पेंशन दी जाएगी उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। जो पेंशन थी, बुढ़ापा पेंशन हो गया और अन्य कितनी भी पेंशनें हैं जो हरियाणा सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जाती थी,
तो उनमें क्या किया गया, जैसे बुढ़ापा पेंशन में 200 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, तो ऐसे ऐसे अलग अलग जो पैमाने पर जो पेंशनें थी उनमें उसी हिसाब से बढ़ोतरी की गई है हरियाणा सरकार द्वारा। तो ये बढ़ी हुई दरें हैं, ये नेक्स्ट ईयर से जो कि उनको मिलने लग जाएंगी। हरियाणा को गड्ढा मुक्त करने के लिए हरपथ मोबाइल ऐप लॉन्च। देखिए हरियाणा को जो गड्ढे, जो सड़कों पर गड्ढे हैं, तो उसमें एक हरियाणा सरकार ने एक नई ऐप बनाई है, हरपथ हरियाणा। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और iOS वर्जन भी इसका मिल जाएगा। देखिए हरपथ हरियाणा नाम की ऐप है, इससे आप शिकायत दर्ज करवा सकते हो हरियाणा गवर्नमेंट को कि इस सड़क पर गड्ढा है। तो गड्ढा मुक्त करने के लिए ये पहल की गई है हरियाणा सरकार द्वारा। देखिए इस ऐप का नाम है हरपथ हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है, बैगलेस होंगे पहली कक्षा के बच्चे, सरकार ने जारी की आदेश। देखिए बच्चों को बैगलेस करने की योजना बनाई जा रही है हरियाणा सरकार द्वारा, कि जो भी बच्चे हैं नर्सरी क्लास के, उनको बिना बैग से पढ़ाया जाए। मीन्स कि जो उनकी बुक्स हैं, कुछ भी जैसे उनके स्मॉल टाइप की बुक्स होती हैं, उनको स्कूल पर ही रखा जाए, और जो भी इनको बैगलेस करने की योजना बनाई जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब हरियाणा में 24 घंटे खुले रह सकेंगे रिटेल स्टोर। देखिए रिटेल स्टोरों के लिए पहले एक समय तय किया गया था, जैसे कि सुबह 8 से लेकर शाम के 8 बजे तक, 9 बजे तक, अब इनको 24 घंटे ही खुले रह सकेंगे, और इनके ऑर्डर हरियाणा सरकार द्वारा कर दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने वेतन से 51 बेटियों के हाथ पीले कराएंगे कैप्टन अभिमन्यु। देखिए 51 बेटियों की शादी करवाएंगे कैप्टन अभिमन्यु। देखिए ये कोई भी राज्य या केंद्र सरकार का खर्चे से नहीं, ये अपने वेतन से 51 बेटियों के जो विवाह है वो करवाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, खंडेलवाल के को हरियाणा सरकार ने HRERA में गुरुग्राम का चेयरमैन नियुक्त किया है। देखिए गुरुग्राम के चेयरमैन के रूप में खंडेलवाल को हरियाणा सरकार ने चेयरमैन बना दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा में डायल 100 की योजना की होगी शुरुआत। देखिए डायल 100 की योजना की शुरुआत होगी, और 30 से 35 गाड़ियां हर जिले में उपलब्ध कराई जाएंगी। डायल 100 की जो सुविधाएं थी पहले उत्तर प्रदेश में थी, सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश के काफ़ी जिलों में ये गाड़ियां उपलब्ध थी डायल 100 की, पर अब इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने हर जिले में 30 से 35 गाड़ियां उपलब्ध करवाएगी, और डायल 100 की ये योजना की शुरुआत होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, गीता बबीता के बाद तीसरी बहन रितु ने पोलैंड में सिल्वर मेडल जीता। देखिए जो तीसरी फोगट बहन है रितु, तो इसने पोलैंड में सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा जल्द ही CCTV कैमरों से लैस होगा। करनाल, सॉरी करनाल की बात है, करनाल CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। करनाल के जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य जितने भी बड़े रोड हैं, चौक हैं, उन पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। पूरे करनाल में 128 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, दिव्यांगों, वृद्धजनों और विधवाओं की पेंशन 1 जनवरी से बढ़ाकर 1800 रुपये कर दी जाएगी। देखिए पहले 1600 रुपये पेंशन दी जाती थी तीनों ही वर्गों को, दिव्यांग हो गए, वृद्धजन हो गए और विधवाओं हो गए, इनकी अब पेंशन 1600 से 1800 कर दी जाएगी। तो ये थे कुछ हरियाणा करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ पॉइंट। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड हर नई अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।